भाई अंगूरी तो पानी वानी पिलाओ भाई, बहुत जोर के प्यास लगी है। हाँ अभी लाते हैं लड़के भैया। हाँ पगली, ये औरत बड़ी सिद्धी है। आया आया। बेबू। या बेबी। क्या कर रहे हो वहाँ खड़े खड़े, अंदर आओ ना। कुछ नहीं बस ऐसे, आई वाज जस्ट हैंगिंग अराउंड, यू नो, जस्ट हैंगिंग अराउंड, नथिंग एल्स। पत्थर कौन मार रहा है बे? ओए, कौन है बे लौंडे? अरे किस पे चिल्ला रहे हो बाहर खड़े खड़े? Somebody's throwing stones at me, eh? तो अंदर आओ ना। पर छोड़ूंगा नहीं दिख गया तो। अब भाभी जी हमारी हो जाएंगी। जोर से मारा भाई गॉड। अल्लाह डुके भैया। लीजिए पानी। लाओ पगली। अबे कौन मार गया बे? हाय तिवारी जी, क्या बात है, दर्द में लग रहे हैं? दर्द में तो आप भी मालूम हो रहे हैं। कल मिलते हैं। अबे तेरी अरे बुधवार ठीक से करना रे भाई, अच्छा से पोताई करो। हाँ बिटिया सुन, टोटका ई है कि आज के दिन तुमको उबायल के अलावा कोनो पराए मर्द से बात नहीं करना है। ठीक बा अम्मा जी। अम्मा जी एक तो बात पूछ रहे हैं, किसी औरत से तो बात कर सकते हैं ना? हाँ बिटिया, औरत से काहे नहीं कर सकते हैं, औरत से कर सकते हैं। ठीक बा अम्मा जी। हाँ रखते हैं, प्रणाम करे हैं अम्मा जी। हाँ खुश रहो। हाँ भाई भाई। अरे कारे बुधवा, ये हमरा टावेल के ऊपर खड़ा है तू, हट दे हमरा टावेल। हरम हमका इश्क हुआ है यारा, हमरे कोई खबर या लो। क्या बात कर रही भाभी जी, आपको इश्क हो गया है? भाभी जी अभी आप गाना गुनगुना रही थी कि हमका इश्क हो गया है यारा, हमरी कोई खबरिया लो, तो भाभी जी आपको किससे इश्क हो गया है सर बताइए तो सही, वो कौन नौजवान है? भाभी जी मेरे कान तरस गए उसके नाम को सुनने के लिए। आप मुझे नाम बताइए, मुझे नाम मालूम है इसका, फिर भी मैं आपको एक बड़ा सरप्राइज रिएक्शन दूंगा। टेल मी भाभी जी, भाभी जी कम ऑन स्पीक अप, ओपन अप, आई एम ऑल इयर्स। यस भाभी जी, बजे हाँ, हेलो भाभी जी, भाभी जी मैं बड़ी जिल्लत सी महसूस कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरे मुंह पे इग्नोर कर रही हैं। I'm not really liking you, but never mind। इतना बताइए कि किससे इश्क हो गया आपको, प्लीज प्लीज भाभी जी। नमस्ते बाबू जी, कैसे हैं आप? हेलो सुषमा, हम ठीक बा, तुम कैसे बा? बस ठीक, चलिए चलती हूँ। हाँ हाँ, बाय बाय। ये
तरीका है, ये क्या तरीका है? आप मुझसे बात नहीं कर रही है, लेकिन इस लड़की से बात कर रही है। दिस इज नॉट नाइस, दिस इज नॉट फेयर। हो जी बताइए ना, कौन है वो जिससे आपको प्यार हो गया? ये कल रात का सिलसिला था, आई मीन जनरली से पूछ रहा हूँ, कहीं रात का सिलसिला तो नहीं हुआ कुछ? अभी जी आई एम टॉकिंग टू यू। सुन के राजी नहीं है तो बाबा तो बोल रहा था कि यार ये पत्थर मारते ही भाभी जी के दिल में वो प्यार की नदियां बह जाएंगी, तो नाला भी सूख गया यार। ये गलत तो थमा दिया मेरे हाथ में, पैसे भी खा गया मेरे, छोड़ूंगा थाले को। ताजी हरी सब्जी ले लो। आंटी जी भाभी जी को बुलाइए। ओ सॉरी भाभी जी, ये आपने चेहरे पे पोत रखा था ना, इस वजह से हम पहचान नहीं पाए आपको। अच्छा, चेहरे पे पोतने से मैं आंटी नजर आ रही हूँ तुम्हें? भाभी जी हम कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है ज्यादा बड़बड़ मत करो, ये सब्जियों का थैला रखा है, उठाओ उसको। जी ये सब्जियां दी थी ना तुम्हें विभू को रात में? हाँ भाभी जी, लेकिन ये तो एकदम ताजी है। ये सब्जी तुम्हें ताजी नजर आ रही है? भाभी जी गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, सब्जियां पिलपिला जाती हैं। बकवास मत करो और चुपचाप ये बासी सब्जी लेकर जाओ यहाँ से। और कहाँ जा रहे हो? चलो 120 रुपए निकाल के रखो। चलो चलो। गर्मी भाभी जी आपके दिमाग में चढ़ गई है। चलो बासी सब्जी दी ना, अगली बार तो मारूंगी। ताजी सब्जी बेच बेच के सारे के सारे चोर मुझे ही मिल जाते हैं। भाभी जी कितनी सुंदर लग रही हैं, आहा काश हम इनके मुख से लिपटा हुआ लेप होते। चल तिवारी अब जरा चेक कर ले कि भाभी जी को तुझसे प्रेम हुआ है या नहीं, क्योंकि बाबा जी का दिया हुआ पत्थर तो बाबा जी के कहे अनुसार हमने भभूति जी कूल्हे पे मार दिया था, अब असर देखते हैं। सलील इंसान, फिर आ गया यहाँ पर? हाँ शर्म नहीं आती तुझको? अगर मेरे घर के आसपास नजर आया ना तो तेरी मैं डंडे से पिटाई करूंगी, बेल्ट निकाल कर पीटूंगी तुझे, समझा? चल निकल यहाँ से। अरे हम तो भाभी जी से उम्मीद कर रहे थे कि वो हम पर प्रेम के पुष्प बरसाएंगी, लेकिन भाभी जी ने तो हम पर नफरत के अंगारे बरसा दिए। बाबा का मुख आनंद से दोबारा मिलना पड़ेगा। अरे यार कौन बैठा है इतनी देर से बाबा जी के पास? पका दिया यार, आधा घंटा हो गया। भूति जी आप फिर से? तिवारी जी आप भी फिर से? हाँ दरअसल क्या है कि बाबा जी ने हमें जो टोटका बताया था हमने उसका इस्तेमाल तो किया, लेकिन परिणाम कुछ नकारात्मक से ही सामने आ रहे हैं। क्यों, बिजनेस बैठ गया आपका, बर्बाद हो गया? यू आर ऑन स्ट्रीट्स विद द बिलोंगिंग्स। देख समानी। अरे यार ऐसी बात नहीं है यार, कोई धंधा बंदा चौपट नहीं हुआ, बल्कि क्या है कि हम दरअसल एक पार्टी को पटाना चाहते हैं। पार्टी को पटाना चाहते हैं? मतलब क्लाइंट की बात कर रहे हैं। ओ, वो पार्टी? हाँ वो पार्टी। तो पटी कि नहीं पटी? हाँ पटी उल्टा और रूठ गई। रूठ गई? डोंट वरी,
तो लुझाट पड़ जाएगी। कोशिश तो जारी है। और आपको कुछ लाभ हुआ या नहीं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि नुकसान ही हो गया। थोड़ा जो पहले होता था वो भी नहीं होता। सामने वाली पार्टी रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। सामने वाली पार्टी एक्चुअली जिस कंपनी में मैं जॉब चाहता हूँ ना करना, उस कंपनी की जो चेयरमैन है बड़ी बड़ी मासूम, बड़ी अल्लड़ है। नौकरी मांगने गए थे या उस पर लाइन मारने गए थे? क्या तो नौकरी मांगनी था। अप्पू सिंह जी, अरे दादा, तो इतनी देर से आप अंदर बैठे थे, कर क्या रहे थे आप इतनी देर से अंदर? हाँ, क्या कर रहे थे आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कर क्या रहे थे अंदर? ऐसे बैठा याद नहीं अंदर यार। अरे यार, जो सवाल तो ससुर हमें तुम लोगों से करो चाहिए, तो तुम दोनों इतने पे क्या कर रहे हो? पर पहले किया तो हमने है ना। एग्जैक्टली। अरे यार, आखिर कब तक दरोगा के लिए बने रहेंगे? हमारो तो मन करते हुए कि लाल बत्ती में घूमे, एसपी बने ससुर। गलतफहमी पाल रहे हैं आप। गवर्नमेंट इतनी पागल नहीं है कि आप जैसे निछावर छाप दारोगा को वो एसपी बना देगी। बड़े आए लाल बत्ती वाले गाड़ी में घूमना चाहते हैं। बड़ी नेक्स्ट। ये आपके चप्पल उतार रहे हैं यार, नंबर मेरा है। एक्सक्यूज मी। अरे तब जी सर, तिवारी तिवारी हम सही कह रहे, आज हम वर्दी में नहीं है, नहीं तो जे आदमी को यही ठोक देते हम ससुर। ठोक ही देते तो अच्छा था। ये वही है ना जो मैंने वैलेंटाइन में दिया था? और कहा तुम ये बस। शंभो, हम उत्तेजना को गुरु मंत्र दे रहे थे। आप उत्तेजना को जो चाहे दे सकते हैं। मैं जो मांगने आया मुझे वो दे दीजिए प्लीज। तुम कौन हो बालक और तुम्हें क्या चाहिए? कमाल, आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे भाई, तुम्हारे जैसे लाखों लोग हमसे मिलने आते हैं, हम किसको इसको पहचाने? अभी कल ही तो आया था मैं आपके यहाँ। कल? हाँ, पराई औरत के प्यार के चक्कर वाला। जी बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो पत्थर आपने मुझे दिया था, मैंने बराबर वो जो मतलब जो वाइफ हैं जो उनके हस्बैंड को बराबर जगह पे मारा, सटीक, और लगा भी, और उन्होंने रिएक्ट भी किया, लेकिन नेक्स्ट डे भाभी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। असंभव, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो अचूक पत्थर है। लेकिन चूक गया ना। उत्तेजना जी, बाबा जी, पास आओ। और कितना पास आएगी, गोदे बैठी हुई है आपके। बेटे कंचे निकालो, 5 कंचे। ठीक है बाबा जी, लीजिए बाबा जी। ये लो कंचे, ये बहुत ही चमत्कारी कंचे हैं। इन कंचों को हमने घोर तपस्या करके सिद्ध किया है। तुम जिस औरत के प्यार में पड़े हो, उसके पति को पानी में घोल के पिला देना। वो तो मर जाएगा फिर। अच्छा, मर जाएगा? हाँ, कोई बात नहीं। तुम जिस औरत के प्यार में पड़े हो, उस औरत के आंगन में रात को 12 बजे इन कंचों को गाड़ देना। वो औरत तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। 5,000 देना पड़ेगा, वरना ये कंचे असर नहीं करेंगे। अब जी, मेरा काम तो हो जाएगा ना। देखिए, मैंने ये इस काम के लिए ना किसी से 10,000 उधार लिए थे, 5 पहले दिए और ये 5 अब। तथास्तु, हो जाएगा। नेक्स्ट। अच्छा, तो पहले बाद में। प्रणाम बाबा कामुकानंद जी। प्रणाम। खुश रहो, बैठो बालक। क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या तो एक ही है भावा जी, और वो है प्रेम। बस यही समस्या लेकर हम पिछली बार भी आपके पास आए थे। लेकिन भाभी जी में प्रेम उत्पन्न होने के बजाय हमारे लिए उनके मन में नफरत पैदा हो गई बाबा जी। जब तक बाबा कामुकानंद जीवित है, उसका कोई भी भक्त प्रेम से वंचित नहीं रह सकता बालक। बालक, आंखें बंद करो।
जी। आंखें खोलो। जी। ये लो चमत्कारी कंचे। इन कंचों का क्या करें बाबा जी, भाभी जी के साथ खेलें? अरे पगले, भाभी जी के साथ खेलना नहीं है, उसके आंगन में रात के 12 बजे इन कंचों को गाड़ देना है। बहुत ही चमत्कारी कंचे हैं ये। तो इससे भाभी जी के मन में हमारे लिए प्रेम उत्पन्न हो जाएगा? उत्तेजना? क्या भाभी जी के मन में उत्तेजना पैदा हो जाएगी? मूर्ख, उत्तेजना मेरी शिष्या का नाम है, मैं इसे बुला रहा हूं। 10,000 ले लो इससे। ठीक है। 10,000 तो बहुत ज्यादा है। क्यों, भाभी जी के प्यार के सामने इन कागज के टुकड़ों के क्या मूल्य है? है? निकाल 10,000। नहीं नहीं, यूं तो कागज के टुकड़ों का मूल्य ज्यादा है, लेकिन फिर भी भाभी जी के प्रेम के सामने कुछ नहीं। लीजिए। खुश रहो। जी धन्यवाद बाबा जी, प्रणाम। तथास्तु। माफ करियो गोरी मैम, आज आपके प्यार ने हमें इतना मजबूर कर दो है गो कि आज हम आपके घर में चोरन की तरह घुस रहे। लेकिन का करें, प्यार और जंग में तो सब जायज हो तो है गो। बाबा ने हमें जी दो ठैये निबुआ दिए हैं, जो उनको हमें आपके सिरहाने रखने है गो, और बाकी बात आपको हमसे कैसे कहें दादा, बाकी बात आपको हमसे प्यार हो जाए गोरी मैम। हाय 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 हाय, गोरी मैम सोती भाई कितनी अच्छी लग रही हैं। ऐसो लग रहा है जैसे पतली सी ट्यूब लाइट बिस्तर पे धरी भई है। अरे दादा, निबुआ रख ही दे हम। चोर 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 च